पूजा भट्ट जो कि बिग बॉस ओटीटी 2 में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जा रही थी, उन्होंने शो को बाय बाय कह दिया है। What? Yes, उन्हें निकाला नहीं गया है, उन्होंने खुद ही शो से जाने का डिसाइड किया है। बता दें कि पूजा भट्ट का शो को बीच में छोड़कर जाने का रीजन बताया जा रहा है उनकी खराब मेडिकल कंडीशन। वो काफी वक्त से बिग बॉस हाउस में बीमार चल रही थी, जिसके चलते अब उन्होंने शो को बीच में ही छोड़कर जाना सही समझा। शो में रहते वक्त पूजा ने खूब मसाला दिया, कभी वो किसी की बॉडी शेमिंग को लताड़ती थी तो कभी खुद और महेश भट्ट के स्कूल ड्रॉप आउट होने के बारे में बताती थी। पूजा ने शो के दौरान को कंटेस्टेंट के सामने अपनी लाइफ के बारे में कई राज खोले हैं। हाल ही के एक एपिसोड में एक्ट्रेस ने अपनी बहन आलिया भट्ट और अपने जी रणबीर कपूर के बारे में भी बात की। उन्होंने उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में बात की। दरअसल एक ग्रुप बैठा हुआ था जिसमें अविनाश थे, जद थे और पूजा थी। वहाँ वो लोग बता रहे थे, बात कर रहे थे कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स को लेकर के डींगे हाँकते हैं। तो पूजा ने जिक्र किया कि अभिषेक और जिया इस बात को ज़्यादा डींगे मारते हैं कि उनके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा, मेरी बहन आलिया जो सोशल मीडिया पर है, उसके जितने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं ना, उतने कुछ देशों की आबादी भी नहीं है। मेरी बहन आलिया भट्ट की सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और वो कभी इसका घमंड नहीं करती है। और वहीं रणबीर तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, वो सही मायने में स्टार है। ही इज अ रियल स्टार हु कैन एक्ट, दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बहन आलिया भट्ट और अपने जीजा रणबीर कपूर के बारे में भी बात की और फिलहाल वो शो से जा चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, हमें कमेंट्स में ये बताना है कि आपको क्या लगता है, पूजा भट्ट वापस आएंगी? क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का भी दौर चल ही रहा है, और अगर आएंगी तो क्या वो जीतेंगी, क्या वो टॉप 3 तक पहुँचेंगी, क्या लगता है कॉमेंट्स में बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए।